बीती 4 फरवरी को गुरुग्राम के धनकोट इलाके में हुई गन पॉइंट पर लूट का सीसीटीवी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह ये हथियारबंद बदमाश आते हैं और फायरिंग करके स्विफ्ट गाड़ी को लूट ले जाती हैं। हालांकि लूट की इस वारदात में शामिल एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 3 बदमाश अभी भी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। वारदात में इस्तेमाल की गई i10 गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस की माने तो गाड़ी लूट की वारदात के खुलासे की जिम्मेदारी पालम विहार क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी, जिसने वारदात का खुलासा करते हुए तफ्तीश में पाया कि वारदात में शामिल चारों बदमाशों को सोनीपत के गांव में किसी शख्स की हत्या को अंजाम देना था और इसी इरादे से गाड़ी लूट को अंजाम दिया गया था। लेकिन इससे पहले कि ये अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाते, उससे पहले ही क्राइम यूनिट ने इस मामले में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। ये 4 तारीख को एक व्यक्ति धनकोट गांव का रहने वाला था। उसके जानकार की कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसको देखने के लिए वो गया था। जब वहाँ से वापिस आ रहा था अपनी गाड़ी में, तो एक i10 गाड़ी ने उसको आगे गाड़ी लगा के और उसको रुकवाया और उसके शीशे पे हथियारों के बल से चोट पहुँचा के शीशा तोड़ के और ज़बरदस्ती उसको बाहर निकाल के और हथियारों के बल पे गाड़ी छीन के भाग के, जिसके संबंध में एक केस रजिस्टर करके हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। और हमारी क्राइम यूनिट पालम विहार ने उस पर इंटरेस्ट ले के काम शुरू किया और उसी का नतीजा है कि उन्होंने कल एक व्यक्ति को इस मामले में अरेस्ट किया है, जिसका नाम नीरज उर्फ नीर है, जो जुलाना जींद का रहने वाला है। और इसको हमने पूछताछ पे इसने बताया है कि मैंने अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था और हमने बरौना जिला सोनीपत में इस गाड़ी को यूज करना था किसी मर्डर के लिए। हमने इससे जो गाड़ी छीनने के लिए यूज की गई थी वो गाड़ी बरामद कर ली है। जो गाड़ी छीनी गई थी वो बरामद हो चुकी है और इसमें शामिल जो अन्य व्यक्ति हैं उनकी भी हम जोर शोर से तलाश कर रहे हैं। हमने आइडेंटिफाई कर ली है और बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारियां संभव हो पाएंगी। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब हत्या की वारदातों को अंजाम देने के मकसद से गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया हो। पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले भी दर्जनों ऐसे मामलों का खुलासा कर चुकी है, जिसमें पुलिसिया तफ्तीश में सामने आया कि गाड़ी लूट मामले में किसी की हत्या को अंजाम देना शामिल था। पंजाब के सिटी टीवी चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।